हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हंसमुखा सिंह है एंड आज हम फिज़िक्स में कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनका फिज़िक्स में काफ़ी कैलकुलेशन में यूज होता है, उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ। और ये हमारा मोस्ट बेटर रिवीजन सीरीज है, इसका ये फिज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर है। एंड इसमें है कुछ बेसिक कैलकुलेशन है, लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्री है, AP एंड GP सीरीज़ है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल क्वार थ्योरम है जो वाली, एंड वी विल डिस्कस नाउ। मैथमेटिकल टूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है कि इट इज़ ए रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इन विच वन इज एज्यूम टू बी डिपेंडेंट एंड अनदर इज एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे y इज इक्वल टू x है, तो y और x में क्या रिलेशन है कि y x पर कैसे डिपेंड है। तो x में क्या है कि x में जैसे कि एग्जांपल है कि x प्लस टू है, तो x में अगर हम कोई संख्या ऐड करते हैं या किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं या उसको कितनी टाइम्स उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये उसका y और x में रिलेशनशिप है, वो फंक्शन कहलाता है। एंड इसमें जो x है वो इनपुट है और y है वो आउटपुट है। तो x है वो इनपुट है और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। x में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, x में अगर हम चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा, तो y डिपेंडेंट है। अब जैसे कि x है तो x में हम यहाँ पर 2 रखेंगे, इसमें y इक्वल टू 3x है। अगर हम इसी इक्वेशन में y इक्वल टू 3x में x की जब वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6। अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 9। तो x चेंज करने पर y चेंज हो रहा है, यानी कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है x पर। अब नेक्स्ट है बेसिक कैलकुलेशन। तो बेसिक कैलकुलेशन में क्या है कि नॉन जीरो की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे 5 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 8 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। नंबर सेकंड है कि नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब एक्स की पावर एन है तो उसको नेगेटिव में ले जाएंगे, 1/x की पावर माइनस, अगर हम उसको अपॉन में ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी पावर। तो ऐसे ही थर्ड है कि प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, तो एक्स की पावर एन एंड एक्स की पावर एम, तो रिजल्टेंट आएगा एक्स की पावर एन प्लस एम। और फोर्थ है डिवीजन प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है कि एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर वाई, तो x मतलब सेम है ना दोनों में, तो x की पावर आ जाएगी n माइनस वाई। अब नेक्स्ट है कि 1/0, तो 1/0 में क्या होता है कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, और 2 की पावर इनफाइनाइट तो उसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट है, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट है तो इसका मतलब कि 1/2 की पावर इनफाइनाइट, तो 1/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इनफाइनाइट, तो 1/∞ 0 आएगी। ये होती है मतलब कुछ नॉर्मल जो कैलकुलेशन है उसमें यूज होती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में क्या होता है, इसमें पावर कॉन्सेप्ट, बेस पावर रिजल्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 तो इसका रिजल्टेंट 8 आएगा। अब इसको लॉग में कन्वर्ट कर कैसे करेंगे कि इसमें इंटरचेंज हो जाएगा पावर में और रिजल्ट में, तो इसको लिखेंगे लॉग में कि लॉग 2 मतलब लॉग 8 ऑन द बेस 2 इजकल टू 3, लॉग 8 ऑन द बेस 2 इजकल टू 3। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिख लिया, अगर हम इसको एंटी लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे कि ये है इधर लॉग 2 लॉग 16 ऑन द बेस 2, तो इसको हम एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमको ये नहीं पता है, तो टेकिंग एंटी लॉग, तो 2 की पावर जिसमें कन्वर्जन हो जाएगा 2 की पावर x इजकल टू 16। अब 2 की पावर 16 लॉग 2 है, तो 16 लॉग 16 ऑन द बेस 2, तो इसमें क्या है कि जो x है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसका अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो 2 की पावर x इजकल टू 16, तो 16 को अगर मतलब ऑन द बेस के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो बेस सेम हो जाएगा तो x इजकल टू 4 आ जाएगा। तो ये एंटी लॉग लेते हैं, तो टेकिंग अब इधर है कि 5 की पावर 0 इजकल टू 1, ये हमारा ये हमने इसमें फर्स्ट टूल पढ़ा था कि 5 की पावर 0 मतलब किसी नॉन जीरो की पावर 0 है तो उसका रिजल्टेंट 1 आता है। अब 5 की पावर 0 इजकल टू 1 है तो इसका हम टेकिंग लॉग लेंगे, तो लॉग में क्या होता है कि रिजल्ट ऊपर पहुंच जाता है, पावर नीचे आ जाती है, तो लॉग लेंगे हम तो लॉग 1 ऑन द बेस 5 इजकल टू 0 हो जाएगा। अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग में क्या होगा, 5 की पावर 0 इजकल टू 1 वो एंटी लॉग हो जाएगा एंटी लॉग फॉर्म में। देन नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टी है लॉग की। तो लॉग की प्रॉपर्टी में क्या है कि ये है लॉग 1 ऑन द बेस
ए इजिकल टू जीरो, मतलब कि बेस ए है, ई है, टेन है, लेकिन लॉग वन है तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी, लॉग वन ऑन द बेस ए। तो ऐसे ही है। और नेक्स्ट है प्रॉपर्टी कि लॉग एक्स ऑन द वाई, लॉग एक्स ऑन द बेस वाई है, तो इसको हम मतलब कैसे कैसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको बोलते हैं कि लॉग एक्स ऑन द बेस वाई। अब ये है तो इसको में क्या है कि लॉग एक्स है तो एक्स की पावर एन है, तो उसको लॉग एक्स टू द पावर एन ऑन द बेस वाई है। अब इसमें क्या है कि जो बेस है उसकी पावर एन है, तो इसको कैसे बोलेंगे कि एक्स एन, मतलब सॉरी लॉग एक्स ऑन द बेस वाई टू द पावर एन। और लॉग टू टाइप से होते हैं, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। तो नेचुरल लॉग में क्या होता है कि इसमें मतलब बेस ई का यूज़ करते हैं, तो लॉग एक्स ऑन द बेस ई, तो इसको एल एन एक्स भी बोलते हैं, या 2.303 मल्टीप्लाइड एक्स लॉग 10 बोलते हैं, इसका बेस 10 होता है। मतलब ई से जो बेस ई है उसको लॉग 10, मतलब बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। और कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग में क्या है कि एक्स लॉग 10 होता है, मतलब बेस में 10 होता है, या मतलब अदर देन ई होता है, तो एक्स लॉग 2 बाई लॉग 2, मतलब कोई भी कन्वर्जन हो सकता है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लॉग एक्स, एक्स की पावर एन है तो उसको लिखेंगे, जो पावर है उसको सामने मतलब आगे ले आगे लिख नोट करते हैं, तो ये हो जाएगा एन लॉग, मतलब उसकी पावर आगे लिख देते, तो लॉग एक्स ऑन द बेस बाई। और जो एक्स बाय जो उसकी पावर है बेस की, जो बेस की पावर है उसको वन अपॉन एन में लिखते हैं। तो और ई है जैसे लॉग ई, लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाई, अब बेस ऑन द बेस ई है तो इसको मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में ना, तो इसको अलग अलग लिखेंगे, तो लॉग एक्स ऑन द बेस ई प्लस लॉग वाई ऑन द बेस ई। एंड फोर है लॉग एक्स अपॉन वाई ऑन द बेस ई, तो जो एक्स अपॉन वाई मतलब डिवाइड में उसको, अब लॉग एक्स अपॉन वाई ऑन द बेस ई है, तो लॉग एक्स ऑन द बेस ई माइनस लॉग वाई ऑन द बेस ई रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट है लॉग बा एक्स ऑन द बेस बाई है, तो इसको मतलब जो बेस है और जो लॉग है उसको मतलब कन्वर्ट, इनको इनका कन्वर्जन है वो है कि लॉग एक्स ऑन द बेस बाई को रिप्रेजेंट करते हैं वन अपॉन लॉग बाई ऑन द बेस एक्स। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है लॉग बी ऑन द बेस ए मल्टीप्लाई बाई लॉग ए ऑन द बेस बी इजिकल टू वन, तो इसका मतलब है कि लॉग बी ऑन द बेस ए तो ये है, इसको लिख लेंगे वन अपॉन, इनका कन्वर्जन हो जाएगा, तो ए ए तो पहुंच गया बेस में और जो बी है वो ऊपर पहुंच गया, तो इक्वल टू वन, इससे कट के मतलब वन आ गया। और नेक्स्ट है कि लॉग एक्स ऑन द बेस बाई, तो जो बेस है उसको मतलब ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करके लिखते हैं कि लॉग एक्स ऑन द बेस 10 अपॉन लॉग बाई ऑन द बेस 10। तो ये होता है। अब जैसे कि ये सेवन में, सेवन क्या है कि लॉग ई टू द मतलब लॉग एक्स ऑन द बेस ई है, तो इसका मतलब इजक्ल टू वाई है, तो इसका एंटी लॉग लेंगे, इसका टेकिंग एंटी लॉग, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा, तो मतलब ई ई की पावर वाई इजक्ल टू एक्स आ जाएगा। अब हम ई की पावर वाई इजक्ल टू एक्स है तो इसका टेकिंग लॉग लेंगे, तो लॉगिंग लॉग लेने पर क्या है कि लॉग एक्स ऑन द बेस ई इजक्ल टू वाई, तो इनका एक कन्वर्जन है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल्स होता है। और इसमें जैसे कि ये सर्कल है, तो इसमें ए बी मतलब कोई आर्क लेंथ ली है ए से बी, तो ए से बी आर्क लेंथ है, तो इसमें थीटा, थीटा होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो इसकी जो थीटा है ये आर्क लेंथ की लेंथ, मतलब लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर में, और रेडियस है तो रेडियस भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये डायमेंशन लेस होगा, लेकिन इसकी यूनिट होती है एसआई में रेडियन, है ना। और ये टू पाई, टू पाई इजकल टू 360 होता है, तो पाई रेडियन इजकल टू हो जाएगा 180 रेडियन, तो वन रेडियन का होता है वन रेडियन का होता है 180 अपॉन पाई, तो ये रेडियन का डिग्री में, डिग्री का रेडियन में जो कन्वर्जन होता है वो है, एंड वन डिग्री का होता है, वन डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपन 180 होगा, और रेडियन को डिग्री में करेंगे तो 180 अपन पाई होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा ये, तो इसमें मतलब ये सर्कल है, इसमें मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये होता है, तो कॉस साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये साइन का होता है वन अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस थीटा होता है वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा को होता है वन अपॉन कॉट थीटा,
एंड ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज़ होते हैं ऑफ हायर एंगल्स, मतलब जैसे 360 से ग्रेटर है या मतलब और भी ज़्यादा, तो उनके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कास्ट रूल बोलते हैं, मतलब CAST। तो इसमें साइन का भी वो है, जिसमें जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड है तो उसमें साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ में कॉट पॉजिटिव होता है। तो इसमें CAST ये है इसमें जो। देन नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ हायर एंगल्स, जैसे साइन है, साइन का जो हायर एंगल गिवन होगा तो उसमें 90 में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 1 का 2 का, तो मतलब कोई एन है प्लस माइनस थीटा के, फिर हम उसको साइन थीटा है तो साइन थीटा में अगर एन की वैल्यू अगर हम इसमें साइन 90 मल्टीप्लाई बाई एन प्लस माइनस थीटा है, तो उसमें अगर एन की वैल्यू अगर हम 0 और इवन रखते हैं, 0 और इवन रखेंगे तो वो साइन का साइन में ही कन्वर्जन रहेगा, अगर हम यहाँ पे एन की वैल्यू ऑड में रखेंगे तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो प्लस माइनस की ये मतलब जो आगे हैं ये वाले चिन्ह हैं, ये वाले साइन है, तो ये कास्ट रूल के अकॉर्डिंग है, जैसे कि यहाँ पर कौन से क्वाड्रेट में है और कौन से उस क्वाड्रेट में अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये उनके अकॉर्डिंग है। ऐसे ही कॉस में, तो कॉस में 90 मल्टीप्लाई बाई एन प्लस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा में एन मतलब इसमें एन की वैल्यू अगर 0 और इवन है, 0 और इवन वैल्यू है तो वो कॉस का कॉस होगा, अगर ऑड है तो वो ऑड है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट साइन कॉस का साइन में कन्वर्जन हो जाएगा। ऐसे ही टेन है तो टेन में क्या है कि 90 मल्टीप्लाई बाई एन प्लस माइनस थीटा, तो ऐसे ही इसमें अगर एन की वैल्यू 0 और इवन तो साइन मतलब टेन का टेन होगा और ऑड है तो टेन का कॉट हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल है साइन 120, तो 120 का क्या है कि साइन 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 इजल 180, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई 1 का किया है, 1 क्या है ऑड नंबर, तो साइन ऑड है तो ऑड है तो इसमें कन्वर्जन हो जाएगा साइन का कॉस में, तो कॉस थीटा है तो थीटा, कॉस 30 तो कॉस 30 की वैल्यू, तो कॉस 30 ये क्या है 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में साइन का कॉस साइन, तो सेकेंड में तो साइन इसका वो होगा साइन साइन का पॉजिटिव होता है तो इसका पॉजिटिव लेंगे साइन का पॉजिटिव, देन कॉस 30 तो इसका हो जाएगा √3/2। अब ऐसे ही ये सेकेंड है तो सेकेंड एग्जांपल है, तो इसमें क्या है कि 10 2 225 है, तो इसमें 10 का 2 × 90 + 45 है, तो ये 180 + 45 = 225 है, तो इसका जो से वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ये, तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव है तो ये थर्ड 10 पॉजिटिव है इधर थर्ड में, तो ये 10 45 आ जाएगा। अब ऐसे ही कुछ इधर रूल्स हैं कि साइन माइनस थीटा तो इसका माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, 10 − θ = 10θ होता है, तो जो साइन का है तो वो तो माइनस साइन में होता है और इनके साइन माइनस है, तो ये कॉस और माइनस 10θ है तो 10θ। अब जैसे कि साइन माइनस के 30 है तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस के साइन थीटा इजकल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो माइनस की 1/2, कॉस माइनस 30 है तो कॉस 30 इजकल टू तो ये तो प्लस हो जाएगा तो प्लस एंड कॉस 30 की वैल्यू √3/2। अब कुछ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, एंड सेकेंड है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो और कुछ साइन ए प्लस वी, साइन ए माइनस वी, कॉस ए प्लस वी, कॉस ए माइनस वी की कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो साइन ए प्लस वी में क्या है कि साइन ए इंटू कॉस वी प्लस कॉस ए इंटू साइन वी है, और साइन ए माइनस वी में साइन ए इंटू कॉस वी माइनस कॉस ए इंटू साइन वी, मतलब ये है कि जो साइन में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा और माइनस है तो माइनस का माइनस, लेकिन कॉस में क्या होता है प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस माइनस वाला होता है जो ए माइनस वी उसमें प्लस हो जाता है, और मतलब याद लर्निंग पॉइंट ही है ये। तो जैसे कि ए प्लस लर्निंग वाले फार्मूला हैं, ए प्लस बी मतलब ए इक्वल टू बी, अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल है तो हमने थीटा माना है तो साइन टू थीटा आएगा, तो उसकी वैल्यू है कि मतलब साइन टू थीटा का फॉर्मूला है 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस 2θ का है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड उसका जो नेक्स्ट है वो 2 cos²θ - 1, अगर इसको हम साइन में कन्वर्ट करें तो 1 - 2 sin²θ, अगर cos²θ का मतलब इनका जो
आपस में ही कंपेयर की है इनकी, कॉस स्क्वायर थीटा की कॉस से की है, कॉस स्क्वायर थीटा पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा से की है, तो ये आया है कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस टू थीटा प्लस वन अपॉन टू है, कॉस टू थीटा की तो अपन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा की जो साइन स्क्वायर थीटा की इसकी कंपेयर की है तो वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू आया है। देन नेक्स्ट है कुछ रूल्स हैं, साइन रूल है, तो साइन रूल में क्या है कि कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में जैसे अल्फ़ा बीटा और गामा ये एंगल दिए हुए हैं, तो इसमें मतलब साइन जैसे अल्फ़ा एंगल है तो अल्फ़ा के जो सामने वाली जो साइड है वो है ए और बीटा की है वो बी है, गामा की सी है और ये बीच में परपेंडिकुलर है, तो साइन अल्फ़ा इज मतलब साइन ये परपेंडिकुलर है तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस यहाँ पे बी है, ऐसे ही साइन बीटा हो जाएगा कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस तो ए हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा अपन बीटा क्या है तो ए अपन बी आया है, तो इनमें क्या रिलेशन है वो है साइन रूल से ट्राइंगल में, तो साइन अल्फ़ा रेशियो साइन बीटा रेशियो साइन गामा, इनमें जो रेशियो है वन सॉरी वन नहीं सॉरी अल्फा नहीं ए रेशियो बी रेशियो थ्री सी, तो ए अपन साइन अल्फ़ा इजकल टू बी अपन साइन बीटा इजकल टू सी अपन साइन गामा इजकल टू, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है और ये साइन रूल है। एंड कोसाइन रूल है, कोसाइन रूल ये है कि मतलब कोई एंगल दिया है और उसकी दो साइड लेंथ दी हैं और तीसरे के बारे में पूछा है, तो वो कोसाइन रूल से निकल कर आता है कि अब यहाँ पर देखो जिसकी लेंथ ए है, अब इसकी लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी लेंथ बी है, तो इसका जो ए है इसका थीटा इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा एक कॉस थीटा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा ये हो गया एक कॉस थीटा ये हो गया, लेकिन इसकी पूरी लेंथ है वो है बी, तो इसमें हमें इसकी निकालनी है, जैसे कि इसकी लेंथ निकालें तो बी माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास ये ब्रांच तो दिया ए सी, इसके बारे में पूछा है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू वो निकालते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से कि ये ट्राइंगल गिवन है तो ए बी सी है, तो इसमें क्या है कि ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, तो इसमें जो रिलेशन है वो है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस उसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसमें सी की वैल्यू निकल कर आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसी से है कि यहाँ पे जो ये ट्राइंगल है तो इसमें सी की वैल्यू निकालें, तो इसकी वैल्यू हो गई ए साइन थीटा, इसकी वैल्यू हो गई बी माइनस ए कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे सी कॉस सी स्क्वायर की आएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो बी सी इसकी वैल्यू है बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पर जो ए माइनस बी का फॉर्मूला है वो ओपन करेंगे, तो यहाँ पर ये फार्मूला ओपन करने पर ए प्लस बी का नहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो माइनस टू टू ए बी आ गया, टू ए बी होता है ना, तो सी का सी स्क्वायर इजिकल टू यहाँ से ये कॉमन है ए स्क्वायर साइन थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें तो ए स्क्वायर कॉमन है तो वो कॉमन ले लेंगे, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वो है प्रमेय है, तो इसमें इसकी वैल्यू वन होती है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती वन होती है, तो सी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इसका जो स्क्वायर है वो हटाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा आएगा। अब ऐसे मतलब जो एग्जांपल है जैसे इधर कि इसमें जो एक साइड लेंथ दी है 8 मीटर सेकंड दी है 10 मीटर देन थर्ड हमें पूछी है एंगल दिया है 53, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसमें क्या होता है कि अंडर रूट जो ये फॉर्मूला है इसी पर बेस है कि अंडर रूट 8 का मतलब साइड लेंथ का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा वाला है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस टू 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई कॉस 53, तो कॉस 53 की वैल्यू उठती है 3/5, तो हम ये पूरी कैलकुलेशन करें तो एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट 68। देन हमारा नेक्स्ट है एपी सीरीज, एपी सीरीज में क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें होती है सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच डिफरेंस बिटवीन टू एनी कंस्टिट्यूटिव नंबर ऑफ ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसमें क्या है कि टू कंस्टिट्यूटिव नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट मतलब इनमें कॉन्स्टेंट डिफरेंस होता है कंस्टिट्यूटिव नंबर में, तो 1:3:4:5 मतलब 1, 2, 3 ऐसी है, तो इनमें जो डिफरेंस है कॉन्स्टेंट का डिफरेंस बोलेंगे एन टर्म माइनस एन माइनस वन, तो इससे हमारा डिफरेंस निकल कर आता है, और nth टर्म होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, और
सम ऑफ एंथ टर्म होता है तो एन वाई टू इन मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म प्लस एंथ टर्म होता है, तो एन वाई टू इसका फर्स्ट टर्म है ए और एंथ टर्म है ए प्लस एन माइनस वन डी, तो इसका जो सम ऑफ एंथ टर्म आएगा वो आएगा एन वाई टू एंड एन वाई टू मल्टीप्लाई बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एंड नेक्स्ट है सम ऑफ एंथ टर्म है तो एन वाई टू एंड मल्टीप्लाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और जी पी सी लीजिए, इसमें क्या कि सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज प्रोड्यूस बाई मल्टीप्लाइंग बाई प्रिसाइडिंग टर्म बाई फिक्स वैल्यू। इसमें क्यों फिक्स वैल्यू का मतलब डिफरेंस होता है कि ए एस फिर ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यू हो गया, ए आर की पावर फाइव फोर हो गया, ए आर की पावर फाइव हो गया, तो इसमें जो हम निकालेंगे डिफरेंस डिफरेंस नहीं सॉरी कॉमन रेशियो निकालेंगे, तो कॉमन रेशियो में क्या होता है कि जो एंथ टर्म है अपन एन माइनस वन टर्म लेते हैं, तो मतलब हमने जैसे ये ले लिया तो ए आर की पावर फोर अपन ए आर की पावर थ्री, तो मतलब ए से कट जाएगा तो आर की पावर फोर माइनस थ्री इक्वल टू आर, तो ये इसमें डिफरेंस आएगा। तो ए इसका फर्स्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है एंड आर कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो होता है एंथ टर्म अपन एन माइनस वन टर्म, तो इसका जो सम ऑफ इनफाइनाइट होता है वो होता है कि ए अपन वन माइनस कॉमन रेशियो होता है। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या है कि बाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी है, तो एम इसका स्लोप होता है टेन थीटा और बाई होता है मतलब सी बाई नहीं सॉरी सी सी होता है कि बाई इंटरसेप्ट होता है, तो इंटरसेप्ट में जैसे कि मतलब कुछ एग्जांपल हैं कि बाई इजिकल टू टू एक्स प्लस थ्री, बाई इजिकल टू थ्री एक्स प्लस माइनस फाइव, तो इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट कैसे देखते हैं, तो जो एक्स का कंपोनेंट होता है वो स्लोप होता है, जैसे कि इसमें गिवन है बाई इजिकल टू फोर एक्स टू एक्स बाई इजिकल टू टू एक्स प्लस थ्री, तो इसमें स्लोप होगा एम इजिकल टू टू होगा और सी जो इन बाई इंटरसेक्ट है वो थ्री है, तो इनको विद साइन लेते हैं, सेकंड है कि थ्री एक्स माइनस फाइव है, तो इसमें स्लोप होगा थ्री एंड जो बाई इंटरसेक्ट होगा वो माइनस फाइव होगा, देन थर्ड है बाई इजिकल टू माइनस फाइव फाइव है एक्स है ना, तो इसमें जो इंटरसेक्ट है वो जीरो है और जो स्लोप है वो माइनस फाइव है, और नेक्स्ट है कि टू वाई इजिकल टू फोर एक्स प्लस थ्री, तो इसमें जो वाई है वाई इजिकल टू हो जाएगा फोर एक्स अपॉन टू प्लस थ्री बाई टू, तो इसका जो स्लोप है वो होगा एम इजिकल टू टू मतलब फोर एक्स बाई टू है, तो टू से फोर डिवाइड करें तो टू टाइम्स और एक्स जो एक्स का कोफिशियंट है वो टू हो गया, तो स्लोप उसका एम इजिकल टू टू हो गया एंड सी हो गया थ्री बाई टू। एंड कुछ इसको मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि मतलब ये एक्स वाई में, तो इसमें जो स्लोप है तो वो एक्स इजिकल टू जीरो वाई इजिकल टू जीरो है, अगर वाई इजिकल टू टू एक्स गिवन है तो वाई इजिकल टू एक्स गिवन है तो इसका स्लोप तो हो गया टू, देन इसका वाई इंटरसेक्ट है वो जीरो है, तो ये मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा और थीटा है वो लेस देन नाइन्टी है तो एक्यूट एंगल है और पॉजिटिव है, और अगर इसमें थीटा ग्रेटर देन नाइन्टी होगा स्लोप नेगेटिव है वाई इंटरसेक्ट जीरो है तो उसका ये है। एंड नेक्स्ट है कि वाई इजिकल टू थ्री एक्स माइनस फाइव, तो इसका है कि थ्री एक्स माइनस फाइव तो इसका स्लोप हो गया थ्री पॉजिटिव है लेकिन बाई इंटरसेक्ट नेगेटिव है, तो बाई इंटरसेक्ट नेगेटिव तो ये यहाँ से लेकर जाएंगे नीचे से, क्योंकि अब अगर इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव तो इधर ही से जाएगा, और जो सेकंड है वाई इजिकल टू थ्री एक्स प्लस फाइव, तो इसमें क्या है कि स्लोप है वो तो थ्री है लेकिन जो वाई इंटरसेक्ट है वो फाइव है तो प्लस फाइव है तो वो ऊपर से जाएगा प्लस एक्सिस से। एंड थर्ड है बाई इजिकल टू माइनस के टू एक्स प्लस फोर, तो इसमें स्लोप तो नेगेटिव है माइनस टू एंड वाई इंटरसेक्ट पॉजिटिव है तो वाई इंटरसेक्ट पॉजिटिव है तो ऊपर से जाएगा, नेगेटिव है इसमें वाई इजिकल टू माइनस टू एक्स माइनस फोर तो नेगेटिव है तो नीचे से जाएगा, लेकिन इसका स्लोप माइनस टू है तो स्लोप भी नेगेटिव है तो ये होगा। देन अब नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि अगर हम जो होता है ना इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है तो उसमें अगर हम चेंज करेंगे एक्स या डेल्टा एक्स चेंज कर दिया तो डिपेंडेंट फंक्शन है भाई उसमें भी डेल्टा एक्स का चेंज होगा। अब जैसे कि इसकी कुछ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, अगर ये लिमिट टेस्ट टू जीरो हो जाएगी जैसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है तो इसके तो इसको हम जो डेल्टा है ना तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम डी में कन्वर्ट करते हैं कि स्मॉल डी होता है ना तो डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं, तो फिर मतलब डी लगाने का मतलब ये है कि इसमें जो लिमिटेशन है डेल्टा टेस्ट टू तो वो जीरो है, तो मतलब डेल्टा का मतलब है बड़ा डिफरेंस है, डी का मतलब है छोटा डिफरेंस है।
अब नेक्स्ट है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका होता है कि मतलब कोई ग्राफ है एक्स वाई, तो हमने उस पर कोई कर्व लिया है ए से बी, तो उसका इनिशियल फाइनल पॉइंट है जिसको स्ट्रेट लाइन से उसका कनेक्ट करते हैं, तो डिफरेंस ज़्यादा है तो उसको स्ट्रेट कनेक्ट करते हैं, स्लोप ऑफ सिकेंट बोलते हैं उसे, सिकेंट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, नहीं सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बोलते हैं। तो सिकेंट ऑफ ए एंड बी, ये अगर मतलब जो डिफरेंस है वो काफ़ी क्लोज आ जाए टू इच अदर, तब उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट में क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। एंड जो स्लोप ऑफ, जैसे इसमें डी वाई और एक्स एक्सिस में, तो स्लोप ऑफ ए इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन, तो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे।